है जो हमारी थकान मिटा देता है, वो ही परमात्मा देव है। उस परमात्मा देव में प्रीति हो जाए, परमात्मा देव में विश्रांति मिल जाए, परमात्मा देव में अपना मैं नकली मैं मिट जाए, सब काम हो गए उसके। शरीर को, मन को, इंद्रियों को लेकर मैं बनना, ये नकली मैं है। और इस नकली मैं का मकान है, दुकान है, इज्जत है, आबरू है, ये पाना है, वो पाना है, कूदा कूद करके थक के मर जाता है। नकली मैं को सजाने का लक्ष्य जो रखते हैं, वे संसार से हार जाते, थक जाते और फिर न जाने कितनी कितनी योनियों में बेचारों को जाना पड़ता है। और जो नकली मैं का सदुपयोग करके असली मैं तक पहुंच जाते हैं, वे पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो धन्य है, धनवान हो चाहे निर्धन हो धन्य है, प्रसिद्ध हो चाहे अप्रसिद्ध हो धन्य है। क्योंकि मूल सबली सभी का असली है, ऐसा कोई तरंग नहीं जिसका मूल पानी ना हो। ऐसा कोई मैं बोलते हैं ना, मैं दुखी, मैं सुखी, मैं विद्यार्थी, मैं फलाना, मैं फलानी, तो ये विद्यार्थी के अवस्था में जो है वही जवान है, वही बूढ़ा है, वही मैं बोलते मैं मरने को हूँ, तो ये सब नकली है। विद्यार्थी होना, जवान होना, बूढ़ा होना, दुखी होना, सुखी होना, मैं हूँ तो हूँ तो वही का वही है। फिर मैं दुखी, मैं सुखी, मैं बुरा, मैं भला, ये मैं तो बदलता रहता है, लेकिन मैं का असली रूप ज्यों का त्यों रहता है। मैं विद्यार्थी था, विद्यार्थीपना हटा, मैं किशोर, मैं बालक, मैं जवान, मैं बूढ़ा, मैं बीमार, मैं पापी, मैं पुण्यात्मा, तो मैं जिसके सत्ता से जो मैं है असली सत्ता वो पवित्र है, लेकिन ये नकली आरोप करके अपने को ऐसा वैसा मानते, इसी से सारे दुख बाहर के जगत के जो दुख हैं। कितना भी कोई कुछ पढ़ लिख ले, कमा ले, मित्र कर ले, शादी कर ले, तलाक कर ले, झंझटों से जान नहीं छूटती। बाहर क्या मैं दूसरा सपने में दिखता है, तो सो बाहर की उथल पाथल ये जागृत अवस्था है। सपने की उथल पाथल भी सबकी अलग अलग होती, और गहरी नींद भी सबकी कोई ढीली, कोई मध्यम, कोई तीव्र। जिसकी कफ प्रधान प्रकृति उसको नींद तीव्र आती है, आयुष्य लंबी होती, विचार का जरा ठंडा होता है। जिसकी पित्त प्रधान प्रकृति होती है वो जरा फुर्तीला होता, आयुष्य मध्यम होती। जिसकी वायु प्रधान प्रकृति होती है तो स्फूर्तिला तो होता है, लेकिन आयुष्य कफ वाले से पित्त वाले से थोड़ी कम होती है वायु प्रकृति वाले। फिर भी खान पान अदल बदल से उतार चढ़ाव होता है, लेकिन ये सब हो के मिट जाता है। फिर भी जो नहीं मिटता है वो असली मैं है, और जो मिट जाता है वो सब नकली मैं। बचपन मिट गया, किशोर अवस्था मिट गई, जवानी मिट गई, दुख मिट गए, सुख मिट गए, उसको जानने वाला मिटा क्या? जो जानने वाला नहीं मिटा वो असली मैं में जो चुप होता है।
के बीच ये नकली नहीं घुसेगा, असली की धारा चलेगी। अगर 15 से 25 मिनट 30 मिनट रोज दिया जला के ऐसा जप करते तो नकली का प्रभाव हटता जाएगा, असली ओम स्वरूप आत्मा से धारा सीधी जुड़ती जाएगी। और उस ईश्वर के ऊपर, अपने ऊपर जो भरोसा रख कर ईश्वर पर, अपने पर विश्वास करके काम करता है, उसको सहायता सफलता मिलती है। लेकिन सहायता और सफलता को यहीं नष्ट नहीं कर देता है, जहाँ से सहायता और सफलता का स्रोत है वहाँ असली में पहुँच जाता है। फिर बाहर की सहायताएं और सफलताएं आई तो ठीक है, सपने की नहीं, बीत गई, अभिमान नहीं होता। कम आई तो उसकी परवाह नहीं होती, अपने आप में संतुष्ट होता है असली मैं। संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चया मई अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समाप्रिय। वो संतुष्ट रहता है, अपने आप में तृप्त रहता है। पिक्चर देख के मजा लेना ये नकली मैं का काम, परफ्यूम से मजा लेना ये नकली मैं का काम है, नकली को बढ़ोता है। स्वाद चटोरापन का मजा लेना ये नकली मैं का है, और अपने आप में आत्मिक सुख मिले वो असली मैं का है। तो जो असली मैं में शांति पाते हैं वे मन से, कर्म से, वचन से किसी को दुख नहीं देते, क्योंकि वो योगी होते हैं। जो भगवत ध्यान में शांत होते वे योगी होते हैं, योगी संतुष्ट होते हैं। मन कर वचन करम देतन काहू दुख, तुलसी पातक झड़त है देखता का मुख। मन कर्म वचन कर देतन काहू दुख। जो भोगी होगा वो दूसरे का शोषण करके किसी को दुख दिए बिना भोग नहीं भोग सकता, लेकिन जो असली आत्मा का सुख है उसमें किसी को दुख देने की जरूरत नहीं। ऐसा कोई भोगी नहीं जो दूसरे का शोषण किए बिना भोग भोग सके, और ऐसा कोई योगी नहीं जो अपना और दूसरे का पोषण किए बिना रह सके। तो जो जो असली आत्मा में जाते हैं तो आप योग को उपलब्ध होते हैं, और आप अपना भी पोषण करते दूसरे का भी पोषण होता है। और जो जो आप भोगी बनते हैं, नाक के द्वारा मजा अंदर भरते हैं, अति स्वाद के द्वारा भोजन करना अलग बात है, लेकिन चटोरापन करके मजा लेना, तो आप वस्तुओं का, बनाने वाले व्यक्ति का, समय का, चीजों का नाश करके मजा ले रहे हैं और अपनी तबीयत का भी नाश करते हैं। एक पुस्तक छपी थी, पति घातिनी पत्नियां। पत्नी पति का घात कैसे करती, खूब वैरायटियां बने और पति को खूब खूब खिलाए, खूब खूब खिलाए, और वो खा खा के चटोरा बने और बीमार बने, जल्दी मरे, पति घातिनी पत्नियां। ऐसे ही स्वयं घाती भी हम लोग बन जाते हैं। मजा मजा के लिए खाया, मजा मजा के लिए संभोग किया, मजा मजा के लिए, वाहवाही सुनने के लिए, दिखावे के लिए काम किया, दूसरे की सेवा नहीं लेकिन मेरी वाहवाही हो, ये सब नकली मैं की लुच्चाई है, और उसमें ही फंस मरते अपन। जैसे पतंगिया दिए का मजा लेने के लिए अपने आप को झोंक देता है, ऐसे ही संसार का मजा लेने के लिए अपने आप को झोंक दे, उसका नाम भोगी। लेकिन संसार का थोड़ा सा उपयोग करके अपने आत्मा में आ जाए, उसका नाम है योगी। मूर्ख मक्खी और मकोड़े चाशनी की कढ़ाई में डूब मरते हैं, और सियाने मक्खी मकोड़े चाशनी के किनारे किनारे अपना काम बना के छू हो जाते। ऐसे ही मूर्ख लोग हैं, संसार के विकारों में डूब मरते हैं।
व्यर्थ की किसी की निंदा करेंगे, व्यर्थ की किसी की निंदा सुनेंगे, व्यर्थ का खाएंगे, व्यर्थ का बकवास करेंगे, व्यर्थ के वातावरण में अपने को खपा देंगे। ऐसे लोगों को तुलसीदास जी सावधान करते हैं, सर धुनि धुनि पछतावई, मरते समय पश्चाताप की आग से तपते तपते औरंगजेब की नाई पश्चाताप करके मरते। सर धुनि धुनि पछतावई, काल ही कर्म ही मिथ्या दोष लगाए, मरना है ये बात पक्की है, सब छोड़ के जाना है पक्की है। तो पहले अपना जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए कि हमें आखिरी कैसे ढंग से जाना है। पछताते पछताते जाना है, मरने के बाद प्रेत योनि में जाना है नहीं, मरते समय भी सुख शांत और अमृतमय में और मरने के बाद भी अमृतमय परमात्मा से जाना। तो इस प्रकार का लक्ष्य बना दे कि हमें असली सुख चाहिए और असली मृत्यु भी असली चाहिए। नकली मृत्यु बार बार मारती है और पश्चाताप की आग में तपाती है, असली मृत्यु अमर बना देती है। असली परमात्मा है, परमात्मा का चिंतन करते हुए, परमात्मा को प्रीति करते हुए, परमात्मा को अपना आत्मा जानते हुए आंख बंद हो गई तो असली मृत्यु हुआ। मेरी एफडी बाकी है, मेरे शेर वहां पड़े हैं, छोकरे का क्या होगा, छोकरी का क्या होगा, फलाने ने मेरे को बहुत सताया है, इसका बदला लेता तो अच्छा होता, अथवा भारत में पहुंचता और भारत के साधुओं के पास जाता, आखिरी 2 वर्ष मेरी आयुष्य बढ़ जाए। आइंस्टीन जैसा व्यक्ति आखिरी में जो करना है वो नहीं कर सका, उसकी आखिरी में भारत आने की इच्छा थी और असली आत्मा की शांति पाना था। जिसने असली शांति का रास्ता नहीं लिया उसका जीवन व्यर्थ है, उसका जन्म लेना माँ का यौवन नाश करना है और संसार की चीजों का नाश करना है, उसका जीवन व्यर्थ है। मनुष्य जन्म पाकर परमात्मा सुख नहीं पाया, मनुष्य जन्म पाकर परमात्मा शांति नहीं पाई, मनुष्य जन्म पाकर परमात्मा ज्ञान नहीं पाया, मनुष्य जन्म पाकर निश्चिंत नारायण में मरकर अमर नहीं हुआ तो धिक्कार है उसके जन्म को। मंदा सुमंद मतया मंद भाग्या उपद्रता, वे मंद भागी है, उपद्रवी है, खुद शांत रहते नहीं दूसरे को शांत रहने देते नहीं, खुद भगवान में डूबते नहीं दूसरों को डूबने देते। दादू दीनदयाल महाराज थे, अकबर के कहने से राजा मानसी आमिर की गद्दी पर गादी नशीन हुए। बहुत लोगों ने उनकी खुशामद की, अभिवादन दिया, जय जयकार किया, लेकिन दादू दीनदयाल महाराज राजस्थान में ही थे, मानसी राजा का अभिवादन नहीं किया। लोगों ने भिड़ाया कि देखो वो महाराज आप गद्दी पे बैठे और आपकी अभिवादन करने नहीं आया, सत्कार समारंभ में नहीं आया, आपके राज्य में रहते हैं, ऐसा करके महाराज को खूब राजा मानसी को भिड़ाया चढ़ाया। और वो तो ऐसे हैं कि कोई साधु मर गया तो उसको न अग्नि संस्कार किया न समाधि दी, उसको जंगल में फेंकवा दिया। न हिंदू धर्म मानते हैं न मुसलमान धर्म मानते। उपद्रवी लोगों ने मानसी राजा का मन भटका दिया। बुद्धिमान मानसी राजा दादू दीनदयाल महाराज के पास दर्शन का बहाना करके आए। महाराज पाए लागू प्रणाम। महाराज ने कहा दर्शन करने के बहाने से आए हो, तुम्हारे आंखों में कुछ आशंका है? बोले हाँ महाराज, मैंने सुना है कि मैं गादी पे बैठा हूँ तो आपको अच्छा नहीं लगा। बोले ऐसी कोई बात नहीं, तो आप आए नहीं हमारे स्वागत समारोह में। बोले ईश्वर की मौज होती है, वहाँ प्रेरणा करते तो जाते, नहीं तो उसी के मस्ती में रहते हैं। महाराज आपने किसी साधु की मौत हो गई और जंगल में फेंकवा दिया, कोई अग्नि संस्कार नहीं किया, कोई
समाधि संस्कार नहीं किया। दारू दीनदयाल ने कहा भाई छह प्रकार के संस्कार होते हैं, हिंदू लोग अग्नि में जलाते हैं अथवा तो किसी की समाधि करते हैं या मुसलमान लोग कब्रस्तान में गाड़ देते हैं। तीसरा संस्कार होता है कोई साधु को जल में प्रवाहित कर देते हैं। चौथा संस्कार होता है कि खुले आकाश में जंगल में रख देते हैं, वायु संस्कार। पवन चला गया, पांच भूतों का पुतला पांच भूतों के जीवों के काम आ जाए। पांचवा संस्कार होता है भगवान के विरह विरह में, जैसे मीरा ने तुकाराम ने विरह विरह में अपने शरीर को लोप कर दिया। और छठा संस्कार होता है ज्ञान अग्नि। तो मैंने उस साधु का चौथा संस्कार कर दिया था। तो मानसी को जिन लोगों ने भिड़ाया चढ़ाया था वो हरामी लगे और ये महाराज सज्जन लगे, थोड़ी श्रद्धा हुई। लेकिन वो भिड़ाने चढ़ाने वाले चुप रहने वाले नहीं थे। एक बार हार खाली तो चुप थोड़ी बैठते, कुछ न कुछ चूहा बिल में गया तो शांति से बैठ गया, ऐसा नहीं, वहां भी कुछ न कुछ खदुर 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 करता रहेगा। तो अपने पर, शास्त्र पर, भगवान पर, संतों पर सद्भाव हो तो आदमी गिर को गिराने वाले मिले फिर भी गिरता नहीं और अपना लक्ष्य ऊंचा बना लेता है। तो अपनी सूझबूझ और अपना विश्वास किस पर करें, किन लोगों की बातों को कितना महत्व दें, ये मानसी राजा की बुद्धिमत्ता से वो बच गए। नहीं तो सत्ता थी, कुछ भी कर सकते थे और इतिहास काले अक्षरों में लिखा जाता। नहीं, सूझबूझ का उन्होंने परिचय दिया मानसी ने, भड़काने वालों ने भड़काया। ऐसे ही अपने को कोई संसार में धकेले या अपने को कोई किसी की निंदा सुनाए या अपने को किसी विषय विकारों में कोई खींचे तो अपना हौसला बुलंद रखना चाहिए कि हम स्वाद लेने के लिए ना खाएं, स्वास्थ्य के लिए खाएं। पति पत्नी का व्यवहार संयम से करें तो अपना लक्ष्य आखिरी में भगवत ज्ञान, भगवत प्रेम, भगवत विश्रांति में जीवन सार्थक करना है। तो अभी से रोज उसका थोड़ा थोड़ा प्रसाद पाना चालू करें जिससे आपका ऐहिक जीवन भी अच्छा चले। मूल धारा से जुड़े रहें, मूल धारा आत्मदेव है। उस आत्मदेव से जुड़कर आप व्यवहार करिए और बार बार उससे जुड़ते रहिए तो नित्य नवीन रस, नवीन ज्ञान। सूर्य कितना पुराना है, लाखों वर्ष पुराना पुराण पुरुषोत्तम सूर्य देव है, फिर भी रोज नित्य नवीन, चंदा नित्य नवीन। उससे भी पुराना तुम्हारा आत्मदेव है, सृष्टि नहीं बनी थी तब का है, फिर भी रोज नींद में से उठते तो नित्य नवीन शांति मिलती। तो उसमें प्रीति हो जाए तो नित्य नवीन रस आएगा, नित्य नवीन प्रसाद मिलेगा, नित्य नवीन सुख उभरेगा। काहे को संसार में पचमरे, हम पतंगियों की नाई क्यों अपने को आग में फेंके, बूंद बूंदन की नाई क्यों हम अपने को काम विकार में गिराएं, मछली की नाई हम क्यों जीभ के स्वाद में फंस मरे। खाएं लेकिन स्वास्थ्य का ख्याल करके, बोले तो आगे वाले का विचार करके बोले, सार गर्भित बोले, सत्य बोले, हित बोले, मधुर बोले, प्रसंगोचित बोले, ऐसी वाणी बोले। सोचें तो व्यर्थ का ना सोचें, करें तो व्यर्थ का ना करें। व्यर्थ का चिंतन, कई लोग व्यर्थ का चिंतन मिटाने के लिए सार्थक चिंतन जोर से करते, लेकिन सार्थक चिंतन में विफल होते तो ना निराश हो जाते, सफल होते तो अहंकार हो जाता है। सार्थक चिंतन में ना लगो, व्यर्थ चिंतन में ना लगो, व्यर्थ चिंतन का महत्व ना रखो। और सार्थक चिंतन क्या करना है, निश्चिंत नारायण में आ जाओ। ओ व्यर्थ में गिरो नहीं, सार्थक करो नहीं, चुप। रात को क्या करते,
सार्थक चिंतन करते क्या नींद में? नींद में क्या करते? मुझे नींद आए करते हो क्या? नींद आए तो नींद नहीं आएगी, नींद आए भूलोगे तो नींद आ जाएगी। ऐसे ही भगवान मेरा ध्यान लगे, मैं भजन करूं, मैं ऐसा बनूं, मेरे ऐसा दिखे वैसा दिखे, सब भूल जाओ, बस शांत चुप्पी। इससे बड़ा बल आएगा, एक मूल तत्व ईश्वर में आ जाओगे, बहुत ऊंचा उपयोग है।